गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। इससे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिस्कस किया था वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट था। यहाँ पे जो जितने कोएफिशिएंट थे वहाँ पे वो कांस्टेंट थे, बट यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो वेरिएबल है। इसी को क्या कहते हैं हम, कॉची एलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी को कहते हैं। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पे ये सब हमारे वेरिएबल्स हैं। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमने कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला सॉल्व करने का तरीका सीखा है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि किस तरीके से अगर वेरिएबल्स वाले इक्वेशन आती है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसी इक्वेशन को, एक्स टू द पावर एन डी टू द पावर एन, डी वाई बाई डी एक्स जो था हम उसको डी लिखते थे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता था उसको डी स्क्वायर लिखते थे। तो पावर एन है तो यहाँ पावर एन हो जाएगा, प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यहाँ पे एक कम है, एक डिक्रीज हो रहा है, पावर एन था पावर एन माइनस वन, प्लस ए एन ब्रैकेट बाहर वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। इसी तरीके से हम वहाँ पे भी जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता था उसकी भी इक्वेशन इसी तरीके से हम लिखते थे, बट वहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट 2, 4, 6, 8 इस टाइप के कुछ डिजिट्स आते थे, बट यहाँ पे वेरिएबल्स आ रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने का हमें तरीका देखना है किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब ये इक्वेशन लिख लेंगे उसके बाद x इक्वल टू ई टू द पावर z, x जहाँ पे भी है, जो यहाँ पे फंक्शन आएगा x, उसके जगह पे e टू द पावर z रखेंगे, ओके। उसके बाद z की जगह हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, z की जगह ln x हम लिख सकते हैं, x इक्वल टू ई टू द पावर z है तो z इक्वल टू ई इस तरफ जाएगा तो ln x हो जाएगा। अब क्या है, x ऑफ d बाई डी एक्स, इसको एक्स डी हम लिख सकते हैं, x लिख दिया, d बाई डी एक्स को d लिखते हैं, ओके। इसके पहले भी हमने यही लिखा था, d बाई डी एक्स को d लिखते थे। इस एक्स डी को हम यहाँ पे थीटा मान लेंगे, एक्स डी को हम थीटा मान लेंगे। उसके बाद एक्स डी थीटा मान लिए तो अगर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर होगा तो उसको क्या लिखेंगे, थीटा थीटा माइनस वन। जैसे जैसे एक एक जो कि है उसको ऑर्डर में डिक्रीज करते जाना है, एक्स डी है तो थीटा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है तो थीटा थीटा माइनस वन, अगर यहाँ पे एक्स क्यूब डी क्यूब आता है उसको थीटा थीटा माइनस वन थीटा माइनस टू, इस तरीके से जितने भी हायर ऑर्डर बढ़ते जाएंगे एक एक उस तरीके से थीटा के साथ डिक्रीज कराते जाएंगे। क्लियर है इतना? तो अब ये सारी चीज़ें जो हमने अभी देखी हैं उसको एक क्वेश्चंस के थ्रू हम देखेंगे किस तरीके से ये हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चंस में। तो ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस वन ब्रैकेट बाहर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसको एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा थीटा माइनस वन, थीटा थीटा माइनस वन, एक्स डी को क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस वन ब्रैकेट बाहर वाई इक्वल टू, एक्स की जगह हमने बताया था ई टू द पावर जेड रखेंगे, एक्स की जगह ई टू द पावर जेड। अब इसको सॉल्व करेंगे, थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस थीटा, माइनस प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, थीटा स्क्वायर प्लस वन वाई इक्वल टू ई टू द पावर टू जेड। अब ये जो इक्वेशन बन गई है, अब यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम
जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी इस फॉर्मेट में हम बना के वहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे। यहाँ पे भी हमने सेम फॉर्मेट बना लिया है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। वहाँ पे डी होता था उसको भी हम एम स्क्वायर एम लिखते थे, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। एम कितना आएगा, प्लस माइनस आई, यहाँ से अब यहाँ से आगे अब हम क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से लिख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है, ये क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में e टू द पावर अल्फ़ा x लिखते हैं, बट अल्फ़ा यहाँ ज़ीरो है तो e टू द पावर ज़ीरो वन हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे c1 cos ऑफ बीटा, बीटा की जगह वन है x, प्लस c2 sin ऑफ बीटा मतलब x, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम pi लिखेंगे, pi 1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस वन, ये वाला टर्म लिखते थे जो फंक्शन होता था, इनटू जो इस तरफ राइट साइड में होता था वो हम लिखते थे e टू द पावर 2z। एक्सपोनेंशियल के लिए हमने बताया था कि d की जगह अल्फ़ा लिखना होता है, मतलब थीटा की जगह यहाँ पे अल्फ़ा मतलब 2 पुट करना है। अब यहाँ पे हम थीटा की जगह 2 पुट कर देंगे, 1 अपॉन 4 प्लस 1 e टू द पावर 2z, ओके e टू द पावर 2z, तो इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर 2z डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा pi आई फाइंड हो गया है। cf हमारे पास है, pi हमारे पास है। जनरल सॉल्यूशन लिखना है, जनरल सॉल्यूशन cf प्लस pi, ओके CF कितना है हमारे पास, CF है C1 cos of x प्लस C2 sin of x प्लस, उसके बाद PI लिखना है e टू द पावर 2z डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन मिल गई है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। सारे मेथड तो सेम थे, यहाँ से उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन से सारे मेथड पूरे सेम थे, सिर्फ ये जो हमारा वेरिएबल्स कोफिशियंट है उसके लिए ये जो प्रोसीजर हमने किया है उसके बाद इस फॉर्मेट में बनाने के लिए, बस उसको ध्यान रखना है, एक्स की जगह ई टू द पावर जेड पुट करनी है और एक्स डी की जगह थीटा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह थीटा थीटा माइनस वन, एक्स क्यूब डी क्यूब की जगह थीटा थीटा माइनस वन थीटा माइनस टू, एक दो तीन चार, ये चीज़ें बस हमें ध्यान रखनी है, स्टेप पहला और ये वाला दूसरा स्टेप ये ध्यान रखनी है, क्योंकि सारा कुछ यूज़ यहीं पे होना है। डायरेक्ट आप एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर देखेंगे, थीटा थीटा माइनस वन उसकी जगह लिख देंगे, एक्स डी की जगह थीटा, एक्स दिखेगा एक्स की जगह ई टू द पावर जेड पुट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो डायरेक्ट उसी फॉर्मेट में बनेगी जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए। उसके बाद यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, फिर सी एफ निकल गया, पी आई निकालने के लिए वन अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस वन, वहाँ पे डी होता था यहाँ थीटा है, कोई चेंजेस नहीं है, थीटा स्क्वायर प्लस वन एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल के लिए भी मैंने बताया है, हो सकता है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की जगह साइन या कॉस आ जाए, या फिर अलजेब्रिक के साथ एक्सपोनेंशियल या अलजेब्रिक के साथ साइन या कॉस आ जाए, कुछ भी आ जाएगा। अब हमने सारे 11 टाइप्स पढ़े हैं, सारे 11 टाइप्स में से कुछ ना कुछ इस यहाँ पे आएगा फंक्शन, तो उसको हमने करने का सॉल्व करने का तरीका सीखा है, तो हम डायरेक्टली पुट करके उसको सॉल्व करके पी आई निकालेंगे, जनरल सोल्यूशन सी एफ प्लस पी आई हम आसानी से लिख लेंगे। क्लियर है इतना, तो आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक टॉपिक और डिफरेंशियल इक्वेशन पे बचा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू।